वैसा लग रहा था तो उन्होंने गाना रिलीज नहीं करना चाहिए था। ये एक फेक सी और बनावटी सी बात लग गया करा भाई, पीड़ा भी बताओ और पानी का टपका नहीं देना चाहते थे। और ये भाई ये बंदा उसी टोन में रिप्लाई कर रहा है जैसे किसी के बाप का पानी ना तो है, ना तो सरकारों का है, ना हमारा है, ना हमारे बाप का है, ना तुम्हारे बाप का है। सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? वैसे हाल चाल जब से SYL गाना आया है काफ़ी लोगों के ख़राब हुए पड़े हैं। आप सबको ऑलरेडी पता है जैसे ही SYL गाना रिलीज़ हुआ काफ़ी लोगों ने उस गाने को अप्रिशिएट किया, वहीं काफ़ी लोग उस गाने से निराश हुए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की उस गाने में बब्बू मान साहब को टारगेट किया गया था। सो हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं बना रहे कि बब्बू मान को कुछ बोल दिया, क्योंकि जितने भी बब्बू मान के फ़ैन हैं उन सबको पता है कि बब्बू मान की लेगेसी क्या है या उनका क्या योगदान है पंजाब और पंजाबी के लिए। और रही बात उस रिप्लाई की, उस रिप्लाई को ऑलरेडी बब्बू मान के जो भी जितने भी फैंस हैं उनको पता है कि यार क्या सच्चा है क्या झूठ है। चलो सिद्धू भाई ने तो वो गाना पहले बनाया था, तो चलो वो बंदा रहा नहीं अब बोलने का, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और अगर बोलना होगा तो बब्बू मान साहब अड़ पंजाबी 3 में या किसी और गाने में रिप्लाई दे देंगे उस बात का, क्योंकि भाई अड़ पंजाबी 2 मैंने सुना था लिटरली एकदम, जिसको हम कहते हैं टू द पॉइंट, वो बातचीत थी उस गाने में और मैंने उस गाने पे रिएक्ट भी किया था। सो आज बेसिकली मैं इस वीडियो में दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो मुझे लगता था मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं भी पंजाब का कोई और एक्टर ये चीज़ पे बात नहीं करेगा भाई, जो कि है हरियाणा वालों की। सो इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर हरियाणवी लोग देखें तो मे भी उनमें से काफ़ी लोग हैं जिनको पंजाबी नहीं आती, तो उनकी समझ में आ जाए, उनके पल्ले पड़ जाए हमारी एक एक बात। और तभी तो मैंने हिंदी में रिव्यू किया था और ब्रेकडाउन किया था इस गाने का, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो चेकआउट कर सकते हो, आपको बेसिकली पूरा हिंदी मीनिंग समझ आ जाएगा उस गाने का उस वीडियो के अंदर। सब बात आती है हरियाणा के आर्टिस्ट KD की, जिन्होंने रिप्लाई किया है सिद्धू की प्रोडक्शन को, क्योंकि सिद्धू तो अब रहा नहीं तो उन्होंने सिद्धू को बोलना था, लेकिन सिद्धू की प्रोडक्शन और उनके घर वालों को एक गुजारिश की है, वो वीडियो हमारे पास आई है, हम देखते हैं साथ साथ और करते हैं बातचीत की क्या बात हुई है। भाई आप में से जिन लोगों को नहीं पता भाई KD कौन है, KD का बहुत नाम है हरियाणा में और इस बंदे का इतना नाम है, इस बंदे के गानों पर मैंने तो आज तक कभी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत से बड़े बड़े पंजाबी रिएक्टर और इंडिया के एक्टर KD के गानों पे अक्सर रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब बात आ गई है कंट्रोवर्सी की, अब सब अपने आप में सियाणे बनेंगे जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, वो मुझे नहीं लगता इस चीज़ पे रिएक्ट करने वाले हैं। सो तुम्हारा भाई करने लगा है बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिएक्शन, लेट्स बिगिन, सुनते हैं भाई KD ने क्या बात कही है, जो सही हुआ वो सही, जो गलत हुआ वो गलत। वैसे तो कुछ टाइम के लिए फेसबुक से दूर रहने का मन था, लेकिन मुद्दा ऐसा सबने उठाया कि बोलना भी जरूरी है। SYL गाना आया सिद्धू मूसेवाले का, यस, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहता हूँ उनके माँ बाप से भी और टीम से भी। ओके भाई, इतना तो महसूस जरूर होया होगा कि कहीं ना कहीं भाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत विरोध तो गाने का होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ लोग खिलाफ, वो तो पता था भाई। जब ऐसा लग रहा था तो उन्होंने गाना रिलीज नहीं करना चाहिए था, एक गाना बिना कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम कोई अटकता हो, बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए था। मैं बता देना चाहता हूँ उन टीम वालों को भी और फैमिली को भी, हालांकि मैं पहले भी और बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी होंगे, पहले भी मैं सिद्धू की विचारधारा से बहुत ज्यादा सहमत नहीं था, लेखनी का मैं फैन था, लेखनी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। ओके। और इतना सपोर्ट तो पंजाब के कलाकार ने भी नहीं कराया होगा जितना हरियाणा का ने कराया, नो डाउट। जो हादसा हुआ ये पीड़ा सबकी थी, सबको यूं लगा कि भाई एक माँ बाप का इकलौता बेटा गया है, और वो पीड़ा जायज भी थी, किसी को इस तरह से छीन लेना, एक कलाकार को ऐसे मार देना, वो पीड़ा थी। उस पीड़ा में हम सारे बोले और लगभग बहुत सारे लोग तो इसे हैं हरियाणा के जो रोए भी हैं, हरियाणा के लोगों ने इतनी रील बनाई है, इतनी शायद पंजाब के लोगों ने भी नहीं बनाई हो। दूसरी बात कि कुछ साथी अपने वाले भी हरियाणा के भी इस गाने को समझाने की कोशिश करने लग रहे हैं। ओके। शुरू की जो दो लाइन है कि हमने मारा हिमाचल और हरियाणा दे दो, बिल्कुल चलो ठीक है भाई, अगले ने वो एक पीड़ा था ये बात कही भाई मारा भाई न्यारा पार्टी है वो उल्टा दे दो, आगे एक लाइन कही भाई पानी का टपका नहीं देंगे। okay. एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना भी चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा, दो सगे भाई अगर अलग अलग हो जाए लुगाइया की लड़ाई में। ओके। सो बेसिकली जिनको हरियाणवी नहीं आते जो पंजाबी बंदे देख रहे हैं, तो लुगाई कहते हैं घर वाली को, सियासत लुगाई है जो सियासत ने अगर अलग करे हैं, अगर okay. दो सगे भाई पॉलिटिक्स लुगाई है तारा क्या बातों में, और बढ़ना भाई रुक के मारे जा रहा है, मेरा छोटा भाई ने आरा पाट दिया मैंने उल्टा दे दो, और छोटा भाई ने नू देख लिया उल्टा मिलने के तो चांस नहीं बन रहे, और छोटा भाई बड़े तेनू रिक्वेस्ट करे कि बड़े भाई उल्टा तो नहीं आ पाऊंगा मैं तेरे दोरे, मेरा जुगाड़ कम है मैं भूखा मरू, दो रोटी का मेरा भी काम कर दे एग्जाम्पल, और बढ़ना कह देना रोटी तो देख मेरे कम पड़ रही है, तुमने दूंगा तो मेरी थोड़ी रह जाएगी,
बाकी पीड़ा बहुत है मेरा दिल में, तो अलग हो गया मेरे से। तो ये एक फेक सी और बनावटी सी बात लग गया करा भाई, पीड़ा भी बताओ और पानी का टपका नहीं देना चाहते थे, मुझे छोटे भाई थे जिसने। ओके, सो बेसिकली अगर हरियाणा वाले सिर्फ इसी बात से नाराज हुए हैं तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं कि उस गाने में ऐसा कोई मोटो नहीं था कि भाई पानी का तबका नहीं देंगे। बेसिकली वो गाना सरकार के लिए बना था, गवर्नमेंट के कान खोलने के लिए बना था कि अगर आप इसी तरह सिखों पे जुल्म करते रहे, अगर आप इसी तरह बैक टू बैक पंजाबियों को प्रेशराइज़ करोगे, हमारे पे झूठे केस करोगे, हमारे बंदी सिंहों को रिहा नहीं करोगे तो हम पानी नहीं देंगे। ना कि हरियाणा वाले भाइयों को कहा गया है कि हम आपको पानी का तबका नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस गाने में स्टार्टिंग में यूनिटी की बात हुई है कि भाई हाँ हमें सबको एक साथ कर दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें पानी देना है कि नहीं। क्योंकि भाई जो पंजाब की संपत्ति है, बाकी स्टेट्स के पास उनकी संपत्ति है, जैसे किसी के पास कोला है, किसी के पास पेट्रोल है, हर जगह का अपना अपना एक कुदरती जो देन होती है वो है। सो पंजाब के पास उनका पानी है, सो पंजाबियों को उनकी वैल्यू बताने के लिए वो गाना बना था, ना कि किसी भी तरह की हेट के ऊपर बना था। और पंजाब और हरियाणा का भाईचारा तो शुरू से है यार, मे भी बना रहेगा, लेकिन आजकल ऐसे हालात हो रहे हैं कि यार लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। क्योंकि भाई हम देखते कुछ हो रहे हैं, सोचते कुछ हो रहे हैं, समझते कुछ हो रहे हैं, ऐसी मेंटेलिटी भी पड़ी है हम लोगों की। बहुत सारे एरिया ऐसा है हरियाणा का जिसने पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। नो डाउट यार, सबको जरूरत है पानी की। पंजाब के हैं, सबसे पहले उन गा के कहनी चाहिए थी ये बात। भाई सिद्धू ने तो जो लिख दिया गा दिया वो अलग मैटर है, पहली गलती तो रही रिलीज करने वालों की, दूसरी रही जो बड़े बुजुर्ग है उन गाना चाहिए था, उन बताना चाहिए था कि जिस टाइम किसान आंदोलन होया उस टाइम अगर हरियाणा के लोग कह दे रही जो कैंटर बरबर के गए है नी दूध के, जो गाड़ी बरबर के गई है खाने की, सब्जी की, हलवे की, जो कढ़ाई चाली है, घी ले लेकर घी के पिप्पे ले लेकर लोग गए हैं, अगर उस टाइम हरियाणा ये कह देता कि रोटी तो छोड़ो तुमने गुड़की नहीं देंगे, तो भाई साहब चौथा दिन ट्रैक्टर उल्टे पंजाब का नहीं मुड़ जा। ओके, ये बंदा किसान आंदोलन की बात कर रहा है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है यार, हरियाणा वालों का भी बहुत योगदान था, पंजाब और हरियाणा का, यूपी का भी, जितने स्टेट्स का योगदान था, उन सब की वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि वो बिल वापस लिए हैं गवर्नमेंट ने, नहीं तो मुझे नहीं लगता यूनिटी हुई थी उस वक्त। और ये भाई ये बंदा उसी टोन में रिप्लाई कर रहा है जैसे सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि हम आपको पानी का तबका नहीं देंगे, और ये बंदा कहता है अगर तब हरियाणा कह देता कि हम आपको रोटी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो मे भी चौथे दिन ट्रैक्टर वापस आ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि यार भाई पंजाब ने पंजाब वालों को तो खिला देना था, इतना तो पंजाब के पास पैसा है, इतना तो किसानों के पास भाई कमाई पड़ी है कि फ्री बैठ के वो सालों साल खा सकते हैं, पंजाब का हर घर फ्री बैठ के खा सकता है, इतना पैसा तो पंजाब के पास है। ऐसा नहीं है कि अगर हरियाणा पंजाब को उस वक्त रोटी ना देता तो पंजाब के किसान भूखे मर जाते। थोड़ी सी हेट हो रही है भाई, हेट फैल रही है, तो कोई बात नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। जैसे ये बंदा बोल रहा है, जैसे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आर्ट की, लेकिन हाँ अगर बंदे को हर्ट हुआ है तो बंदे का बोलना जायज़ है। मैं नहीं कहूँगा कि ये बंदा गलत बोल रहा है, ये बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे लगता है हल्की फुल्की गाने को समझने में हमको दिक्कत हुई है कि भाई एक्चुअल में वो गाना हरियाणा का लोगों के लिए तो नहीं था, गवर्नमेंट को टारगेट किया गया था उस गाने में, ना कि लोगों को कहा गया कि हम आपको पानी नहीं देंगे। यार पंजाब एक वो स्टेट है, यहाँ के लोग आपको पता होगा सिख ऑर्गेनाइजेशन है वो, जो इतनी इतनी दूर भूचाल आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, जब बाढ़ें आ जाती हैं ना कोई हेल्प नहीं करता, पंजाब के लोग वहाँ पे जाते हैं, मे भी हरियाणा के भी जाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हरियाणा में कोई नहीं ये सब चीज़ें करता। पंजाब को इतने दरिया मिले हैं और पंजाब बहुत दरिया दिली है, अगर हरियाणा को एक्चुअल में ज़रूरत होगी, हरियाणा मर रहा होगा पानी को, तो हो नहीं सकता कि पंजाब पानी ना दे, क्यों ना देगा भाई, पंजाब का तो इतना बड़ा दिल है, अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी पंजाब तो अमेरिका को दे देगा भाई, यूके को भी पानी दे देगा जिन्होंने हम पे राज किया है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पानी देंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात मेरे हाथ में नहीं है, सिद्धू के हाथ में नहीं है, ये सब कुछ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के साथ है। किसी के बाप का पानी ना तो है, ना तो सरकारों का है, ना हमारा है, ना हमारे बाप का है, ना तुम्हारे बाप का है, पानी कुदरत का है। कुदरत ने जब चाहा तो ऑटोमेटिकली बाढ़ आ जाएगी, सारा पानी बह के पता नहीं कब चला जाएगा। कुदरती चीज़ों पर किसका हक भाई, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनको नेचुरली रहने दो, किसी का इस पर कोई हक नहीं है। वो जस्ट एक गाना था, वो एक पंजाब का दर्द था जो पंजाब की गवर्नमेंट के लिए बना था, कुछ लोगों के लिए बना था जो सिखों को आतंकवादी कहते हैं, ना कि हरियाणा के लोगों के लिए। भाई मुझे नहीं लगता उस गाने में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था सिद्धू का, अगर था आपको लगता है तो भाई आप बिल्कुल सही हो, आपको जो करना है गाने के साथ वो करो, जिनको अच्छा लगा वो गाने को शेयर कर दो, जिनको नहीं अच्छा लगा वो ना करे, दैट्स इट। ये आंदोलन एक साल नहीं चलना था, छोटा भाई हो के बड़े भाई के लिए जो जिम्मेदारी थी वो सारी निभाई है हरियाणा ने। ओके, और बहुत इज्जत के साथ निभाई है।
पंजाब के बुजुर्गों का फर्ज बनता था कि भाई जो भाईचारा इकट्ठा होया है दोबारा एक गाने की वजह तो नहीं पाटना चाहिए। हालांकि एक बात और है कि कलाकार के कहने तनु को नहीं पानी रुक जाएगा भाई। ओके वही बात आ गई ना, बयान दे दिया कि पानी का टपका नहीं देंगे, तो ये उसके हाथ में पावर नहीं है। ओके सो बेसिकली गुस्सा तो लगाया भाई हरियाणा वालों को, कि भाई गुस्सा इस बात का लगाया कि भाई पानी का तबका तक नहीं देंगे। वही यार, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि भाई पंजाबियों के ऐसे दिल तो है ही नहीं कि यार हम कह देंगे कि जाओ मरो, हमारे सामने आप लोग मरोगे तो हम पानी नहीं देंगे। नेचुरल रिसोर्स है, एक किसी के बाप की नहीं है। जैसा बंदे ने बोला कि सिद्धू के कहने से कुछ नहीं होने वाला, वही मैं कहता हूँ कि सिद्धू के कहने से कुछ नहीं होने वाला भाई। सिद्धू ने गाना बनाना था, उसने गाना बना दिया। उसके दिल का एक दर्द था, उसने यूथ को बताना था कि SYL क्या है, उसने यूथ को बता दिया। काफ़ी लोगों को कल पता चला कि SYL एक्चुअल में क्या है, क्या सीन है, और उसने एजुकेट किया है बेसिकली अपने गाने से। और ये सरकार के हाथ में है भाई, किसी के हाथ में नहीं है। सो एक गाना कभी भी पानी को रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ पंजाब का एक बंदे ने किसी टाइम पे पानी को रोक दिया था, जिसकी गाने में बात हुई है। हम तो ये सोचते हैं अभी हमसे ज़्यादा शक्ति गवर्नमेंट के पास है, जो फैसला वो लेंगे सही लेंगे, इस पर हमारी कोई राय नहीं है। सो नो कमेंट्स अबाउट दिस। और भाई मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता आगे ये बंदा क्या बोलेगा। सो बेसिकली मैंने हरियाणा का और स्पेशली KD भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, और मैंने उसी पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर आपको ठीक लगा है तो लाइक और कमेंट करके बता देना। बेसिकली नो हेट फॉर हरियाणा, नो हेट फॉर हरियाणवी लोग। इवन दो मेरी मम्मी जो है वो भी हरियाणा से है भाई, सो हम कैसे हेट कर सकते हैं। मेरी इधर भी एक फैमिली है, उधर भी एक फैमिली है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने समझा होगा कि भाई उस गाने में सिद्धू ने नहीं टारगेट किया था हरियाणा को, नहीं ऐसा बोला कि आप लोग पानी के बिना मर जाओगे, जैसा KD भाई ने तो अब बोल दिया कि चौथे दिन ट्राली वापस आ जानी थी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता भाई। और बात रही पानी के मुद्दों की, पानी किसी का सगा नहीं, पानी भगवान ने दिया है, जब उसने चाहा हमसे छीन भी लेगा, जब उसने चाहा यही पानी हमारे मौत का कारण भी बन जाता है। जब बाढ़ें आ जाती हैं तो क्या होता है भाई, वही पानी जान ले जाता है, कितने लोगों का घर उजाड़ देता है। सो पानी की लड़ाई नहीं करनी, भाईचारा बना के रखो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई KD तक जरूर पहुँचा देना, और अगर आप पंजाब से देख रहे हो तो बेसिकली आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। अगर आपको कुछ गलत सही लगा हो, आपने कुछ बात करनी हो, आप कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आ रहा है। मिलते हैं।